नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना कि बाइबल में परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है, लेकिन ईसाई समुदाय के लोग मनभाने ढंग से मांस भक्षण कर पाप के भागी हो रहे हैं। और हमने इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जाना कि काल ब्रह्म अर्थात योहा परमेश्वर मानव को गुमराह कर शास्त्र विरुद्ध मनमानी क्रियाओं में लगाता है, जिससे मानव पाप का भागी बनकर उसी के जाल में फंसकर जन्म व पुनर्जन्म का कष्ट उठाता है। यदि आपने इस वीडियो के पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें अवश्य देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दर्शकों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि ब्रह्म काल हमें गुमराह कर रहा है, तो वह परमेश्वर कौन है जो सुखदायक और जन्म पुनर्जन्म के कष्ट से हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है, तथा वह परमेश्वर हमें इस काल जाल से निकालता क्यों नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म के धर्म ग्रंथों से उस परम पिता परमेश्वर के बारे में प्रमाण सहित जानकारी बताते हैं, जो सबका मालिक एक है, जिसका सभी धर्म के धर्म ग्रंथों में नाम है और जो आज तक रहस्य बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुप्त 82 मंत्र 1 व 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुप्त 86 मंत्र 26 व 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुप्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सुप्त 1 मंत्र 5, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, सामवेद मंत्र संख्या 882 1400 में बताया गया है कि सर्व सृष्टि रचनहार कुल का मालिक अविनाशी परमेश्वर कबीर देव है, अर्थात कबीर परमात्मा है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और यह परमात्मा अपने साधकों के घोर पाप का भी नाश कर देता है। तो वही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि वह कबीर अल्लाह है जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वह अविनाशी है, वह अपने उपासकों के सर्व पापों का नाशक है, उसने ही 6 दिन में सृष्टि की रचना की है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल OJB अय्यूब 36:5 में लिखा है कि परमात्मा कबीर है, वह किसी से भी नफरत नहीं करता, वह कबीर है और अपने उद्देश्य में दृढ़ है। तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महला 1 में लिखा है, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बैब परवरदिगार। इस वाणी में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हे हक्का कबीर अर्थात सत कबीर, आप कुन करतार यानी कि शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो, आप ही निर्विकार परवरदिगार और सबके पालन करता दयालु प्रभु हो। साथ ही पुस्तक भाई वाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रुकंदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात जिस परमात्मा ने आदम जी यानी कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म के पहले पुरुष की उत्पत्ति की है, वह सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है, वही सर्व उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो अर्थात प्रणाम करो और उसी की पूजा करो। इसी का प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ इस प्रकार दिया है, ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माहे कबीर हुआ, ग्रीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्या नुमाए। तो वही कबीर परमेश्वर ने अपना परिचय स्वयं देते हुए बताया है, कबीर हम ही अलग अलाह है मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार, हम ही अलग अल्लाह है हमरा अमर शरीर, अमर लोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर, कभी नाम जो बेदन में गावा कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सभन का सारा आदि नाम वाही कबीर हमारा।
अर्थात परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा स्वयं बताते हुए कहते हैं कि मैं ही वह मूल रूप परमात्मा अल्लाह अकबर हूँ, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों को रचा है और मेरा अजर अमर अविनाशी शरीर है तथा मेरी ही महिमा वेदों में कवि अर्थात कबीर देव के रूप में है और कुरान में मुझे कबीरन कबीरो अकबीरु कबीरा खबीरन आदि कहा गया है। मैं ही सबका मालिक यानी कि सर्व सृष्टि का उत्पत्ति करता कबीर हूँ। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि उस परम पिता परमेश्वर सबका मालिक एक का नाम कबीर है और हमें इसी पूर्ण परमात्मा कबीर देव की भक्ति करनी चाहिए जो हमारे सभी गुनाहों यानी कि पापों का नाश करके जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा दिलाते हैं। और रही बात की परमेश्वर कबीर जी हमें काल के जाल से क्यों नहीं छुड़वाते, तो दर्शकों ऐसा नहीं है। कबीर परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और मानव समाज को सत्य ज्ञान और सत्य भक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई सद्भक्ति करता है, परमेश्वर उसे काल के जाल से छुड़वा कर सतलोक ले जाते हैं और जहाँ कोई दुख नहीं है बल्कि सर्व सुख है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं कहा है, सतयुग में सत सुकृत अवतारा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग में कबीर कहटेरा, चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यह जग चुपता ढेल रे। दर्शकों, वर्तमान समय में कबीर परमेश्वर मानव को काल के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है, जिनके पास सभी धर्म के धर्म ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति मार्ग भी है, जिससे मानव को काल जाल से मुक्ति मिल सकेगी और जन्म पुनर्जन्म से छुटकारा मिल सकेगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान किए जा रहे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जाने तथा उनके द्वारा प्रदान की जा रही सद्भक्ति अपनाकर अपना मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।